और अब बात जो हारा वो बेसहारा, क्योंकि भाजपा ने साफ कह दिया है कि जो भी मंत्री और विधायक हारे उन्हें एमएलसी नहीं बनाएंगे। इसलिए हमने लिख दिया है जो हारा वो बेसहारा, क्योंकि इस बार योगी सरकार में 11 मंत्री चुनाव हार गए हैं और हार के बाद हाईकमान ने इस ऐलान दे हाईकमान का ये जो ऐलान है इसने हारे हुए मंत्रियों और विधायकों को जोरदार झटका दे दिया है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि हारे मंत्री अगर एमएलसी नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे। हाईकमान का फरमान, हारे हुए पर घमासान, नहीं मिलेगा उन्हें एमएलसी का टिकट जिनका गिर गया विकेट। जो हारा वो बेसहारा। जहां एक तरफ भाजपा की जीत का जश्न है, वहीं दूसरी तरफ उन हारे हुए विधायक और मंत्रियों का सवाल, क्योंकि 273 सीटें जीतकर भाजपा गठबंधन फिर से सत्ता में तो लौट आई, लेकिन इस लड़ाई में एक दर्जन मंत्री चुनाव हार गए और अब भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि हारे हुए किसी भी मंत्री और विधायक को एमएलसी नहीं बनाया जाएगा। गौरतलब है कि इस बार कई मंत्री चुनाव हारे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा नाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है, जिन्हें सपा की पल्लवी पटेल ने चुनाव हरा दिया। अब केशव प्रसाद मौर्य को योगी 2.0 में जगह मिलेगी या नहीं, यह अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा झटका जिन मंत्रियों को लग सकता है उनमें गन्ना मंत्री सुरेश राणा का भी नाम है, जो थाना भवन सीट से हार गए। दूसरा नाम उपेंद्र तिवारी का है, जिन्होंने बलिया की फेफना सीट से भागते भागते पर्चा भरा था, लेकिन जीत की दौड़ नहीं लगा सके। ठीक इसी तरह इटवा सीट से बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी सपा के माता प्रसाद पांडे से चुनाव हार गए। इस लिस्ट में एक और नाम मंत्री आनंद शुक्ला का भी है, जिन्हें बलिया की बैरिया सीट से भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काटकर चुनाव लड़ाया गया। तो सुरेंद्र सिंह बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ गए, जो खुद तो नहीं जीते लेकिन आनंद शुक्ला को जरूर हरवा दिया। हारने वाले मंत्रियों की लिस्ट में कृषि मंत्री छत्रपाल गंगवार का भी नाम है, जो महज 473 वोट से हारे। वहीं कैबिनेट मंत्री मोती सिंह प्रतापगढ़ की पट्टी से हार गए। मंत्री चंद्रिका उपाध्याय भी हार गए और संगीता बलवंत भी हार गए। मंत्री लाखन सिंह राजपूत और रणवेंद्र सिंह धुन्नी भी हार चुके हैं। मतलब योगी सरकार के 11 मंत्री चुनाव हार गए। इसके अलावा जो पाला बदल कर गए उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी भी चुनाव हार गए। लेकिन भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े मंत्रियों का भविष्य कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि अपने बड़े नेताओं को पार्टियां हारने के बाद विधान परिषद के रास्ते सदन में भेज देती हैं। लेकिन भाजपा ने तय किया है कि इस बार वो किसी भी हारे हुए मंत्री पर दांव नहीं लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।